वेलकम टू माय चैनल टेक बाय एसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, कुछ स्टेटस के लेकर के। अभी आप अगर अभी तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप सबको शुरू से लास्ट तक पूरी जानकारी दिया जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगा और किस कारण से आपका स्कॉलरशिप को रोका गया है, क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इस वीडियो में आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, यानी कि दो दिन पहले स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप भेजा गया था, भेज दिया गया है, पर उसमें कुछ स्टूडेंट का अभी स्कॉलरशिप नहीं आया है और कुछ स्टूडेंट का भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो उन सबको क्या करना होगा इस वीडियो में आप सबको हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट देखिएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन भी स्टूडेंट का स्टेटस जो है, कुछ स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम शो हो रहे हैं, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। वीडियो उसी के बारे में हम किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है अप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाय इंस्टीट्यूट, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर, मार्क नॉट मैच, अपलोड डाटा, यानी कि यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग, इट्स जो डिस्ट्रिक्ट से जो है स्कॉलरशिप जो भी पेंडिंग में है, लेकिन यहाँ जो है करेंट स्टेटस जो है आपका इस प्रकार दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें बता रहा है कि मार्क और एनरोलमेंट नंबर नॉट मैच, यूनिवर्सिटी में अपलोड नहीं मैच कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये प्रॉब्लम आपका कैसे सॉल्व होगा, तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका इस प्रकार का स्टेटस दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना होगा, या तो आप अपने कॉलेज में कुछ संपर्क कर लीजिए। अगर जो आप अपना स्कॉलरशिप बहुत तेज़ी से मतलब लेना चाहते हैं जल्द, तो अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए। अगर कॉलेज में नहीं ये काम हो रहा है तो आप अपने ज़िले पर जा करके वहाँ से आप सही करवा सकते हैं, जो ज़िले पर मतलब आदेश यहाँ से जो मिलेगा तो हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपको कुछ दिन वेट करना है, जैसे कि ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन वेट करना है, और वेट करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक आपका ये प्रॉब्लम जो रहेगा सॉल्व हो जाएगा और आपके स्कॉलरशिप यानी कि आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो खाते में तो भेजा नहीं, आधार के थ्रू आपका स्कॉलरशिप आएगा तो भेज दिया जाएगा। अगर आपका स्टेटस शो हो रहा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका स्कॉलरशिप भेज दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इतना ही वीडियो आज का था। अरे दोस्तों यहीं पर धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।